नमस्कार, मैं विश्वानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरआरबी ग्रुप डी फेज टू की परीक्षा की तिथि हुई घोषित। कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले तेजस्वी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इस दिन हो सकता है नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से फिर पूछा, 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सर्वसम्मति से भारत रत्न देने की गई मांग। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी ग्रुप डी फेज टू की परीक्षा की तिथि हुई घोषित। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा का दूसरा चरण 26 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर और तिथि की जानकारी 18 अगस्त की दोपहर तक मिल जाएगी। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। मालूम हो कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए 1,03,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का पहला चरण 17 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले तेजस्वी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिहार में सियासी बवाल लगातार जारी है। बीते दिनों जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली है, नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो वहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। वहीं अब कैबिनेट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस सबके बीच अब तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सब लोगों से बातचीत हो रही है, काम अंतिम चरण में है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सर्वसम्मति से भारत रत्न देने की गई मांग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सर्वसम्मति से भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। दरअसल भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तत्वाधान में जिला मुख्यालय के एक होटल में शनिवार को संगठन की सदस्यता के मद्देनजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने समाज को एकजुट करने पर बल देते हुए कहा कि कभी हमारे समाज का गौरवशाली अतीत था, लेकिन खुद की गलतियों की वजह से आज समाज हाशिए पर चला गया है। आज जरूरत समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने की है। इस दौरान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सर्वसम्मति से भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या सरकार बदलते ही तिरंगा उत्सव पर पलट गई बिहार सरकार। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाने के लिए आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन मीडिया के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि बिहार की सरकार बदलते ही आदेश को वापस ले लिया गया है। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और राष्ट्रीयता की भावना का प्रतीक है। जो कोई भी तिरंगा का अपमान करेगा, जनता उसे सबक सिखा देगी। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार सरकार वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हुई पूरी। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल आयोजित किया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीते दिन फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी और पटना SSP ने गांधी मैदान पहुंचकर परेड की सलामी ली। DM ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष भी आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि इस समारोह को सोशल मीडिया साइट के माध्यम से देखा जा सकता है। वहीं SSP पटना ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के गांधी मैदान में रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे पटना SSP ने बताया कि गांधी मैदान में ही नियंत्रण कक्ष संचालित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। भाकपा माले का तभी मिलेगा साथ जब नीतीश कुमार करेंगे शर्तें पूरी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाकपा माले ने नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को सहयोग के लिए लंबी चौड़ी शर्तें रखी है। CPI MLA की मांग है कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के साथ NTPC में हुए आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा किया जाए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। शराब माफिया पर कार्रवाई की जाए और शराब के मामलों में गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। और बिहार की जनता भारी बिजली बिल से परेशान है, सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। बिहार के इन जिलों में हल्की बारिश के आसार। बिहार में इस बार मूसलाधार बारिश कम हुई है, इससे किसान सबसे ज्यादा परेशान है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत प्रदेश के किस जिलों के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया,
अररिया, पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज जिले में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। अभी प्रदेश में बहुत कम बारिश हुई है। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी है। जन औषधि केंद्र खोलने के नाम पर की जा रही है ठगी। आजकल सभी क्षेत्रों में लोगों को लूटने के लिए ठग धाक लगा के बैठे हैं। इस कड़ी में जन औषधि केंद्र खोलने के नाम पर जालसाज लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके लिए जालसाज 6 फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद केंद्रीय औषधि विभाग के तहत कार्य करने वाली एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है। पीएमबीआई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। ठगी का मामला सामने आने के बाद जन औषधि परियोजना से जुड़े तमाम कार्यों के लिए पीएमबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in का उपयोग करने की हिदायत दी गई है। इस दिन हो सकता है नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को हो सकता है। ऐसी खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राज्य सचिवालय में बैठक के बाद नीतीश ने मंगलवार को कैबिनेट विस्तार का मन बनाया है। कुछ लेफ्ट पार्टियों के बाहर से समर्थन के स्टैंड से अचानक सरकार में शामिल होने के रुख से अगर मामला लटका तो फिर तारीख बदल सकती है। महागठबंधन में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, हम, सीपीआई और सीपीएम कुल 7 पार्टियां हैं। संजय जायसवाल के बयान पर बौखलाए जदयू और राजद। संजय जायसवाल ने कहा था कि पीएफआई के लोगों का और नीतीश कुमार के अधिकारियों का गठजोड़ है, ये एनआईए से नहीं बचने वाले हैं, इसलिए एनडीए का साथ छोड़ा। संजय जायसवाल के आरोपों को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर छोटी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साजिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब जब वह विफल होती है, आरोप लगाने के बजाय प्रमाण दे तो ज्यादा बेहतर होगा और सरकार काम भी करेगी। इधर बीजेपी के इन आरोपों को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सत्ता वियोग में भारतीय जनता का पूरा कुंबा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बेचैन है। AIMIM की मांग, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और उससे पहले 16 अगस्त को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाने की बात उठा दी है। विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि जब सबसे ज्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है तो प्रदेश में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी की घर वापसी के चर्चे हुई तेज। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी पवन वर्मा एक बार फिर से घर वापसी करने की तैयारी में हैं। यानी राज्यसभा के पूर्व सांसद पवन वर्मा एक बार फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पूर्व सांसद ने बीते दिनों टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पवन वर्मा एक बार फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीते साल सीएए एनआरसी के मसले पर जदयू ने सदन में बीजेपी का समर्थन किया था, जिसके बाद नाराज होकर पवन वर्मा ने जदयू छोड़ दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि पवन वर्मा नीतीश कुमार के लिए अब मिशन 2024 पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से फिर पूछा 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। सत्ता से विपक्ष में आ चुकी बीजेपी तेजस्वी के पुराने वादों को याद दिलाकर सरकार को घेरने में जुटी है। 2024 के विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में सरकार बन जाने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बीजेपी के नेता उनसे उस वादे का हिसाब मांग रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि बिहार में 19 लाख जॉब का क्या हुआ। प्रधानमंत्री से मिल भावुक हुई महिला क्रिकेटर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बीते दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हरमनप्रीत कौर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हरमनप्रीत का कहना है कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को काफ़ी प्रेरणा देते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कठिन कामों को अच्छे से समझते हैं। हाल ही में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेकर लौटने वाले सभी भारतीय एथलीट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की है। देशभर में आए 15,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,092 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 127 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 51 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 80,115 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है।
जहां 165 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू कुमार, सलीम भाई, कुलदीप कुमार, धनंजय सिंह, शंकर मुखिया, एस निशा, प्रमोद कुमार, कविता कुमार, कुलदीप दिलीप, शंकर ठाकुर और सिद्धार्थ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार लंबे समय से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की उठ रही मांग पर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।